अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी को माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि हर क्षेत्र में पुरुष और महिला बराबर हैं, क्योंकि वह हर जगह हर कार्य पुरुषों के समान कर रहे हैं। युगों से चला आ रहा है भारत में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है। जहाँ पर जिस घर में महिला का सम्मान होता है उस घर में देवी वास करती है। वही महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने बताया कि विदेश में एक महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है तथा देवी माना जाता है। उन्होंने बताया कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा का क्षेत्र सहित हर विभाग में महिलाएं सबसे आगे कार्य कर रही हैं, जैसे कि पायलट हो, ट्रेन पायलट, राजनीति, ऐसे विभिन्न विभागों में बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस अवसर पर महानगर मंत्री अनुपम पांडे, महानगर अध्यक्ष श्वेता श्री, मीडिया प्रभारी वंदना गुप्ता, रंजना गुप्ता, ममता जायसवाल, ममता गुप्ता, रागिनी सिंह, नेहा मणि आर्या, चंदा सिन्हा, रत्नेश मौर्य सहित अन्य भाजपा महिला मोर्चा के नेत्री उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता एवं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, महिला दिवस धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। अमिता गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष में हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनें बेनीगंज क्षेत्रीय कार्यालय पर एकत्रित हुई हैं और उसी हम लोग एक दूसरे को बधाई देने के लिए और अपनी खुशियों को बांटने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। क्या इस कार्यक्रम माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि विदेश में महिलाओं को एक महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को हमेशा देवी के रूप में पूजा गया है, देवी के रूप में माना गया है। और आप देखे होंगे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने ज़्यादा महिलाओं को मतलब उसमें उपस्थिति दर्ज कराई, ज़्यादा सहभागिता महिलाएं उसमें उनका काफ़ी सहयोगिता रहा मंत्रिमंडल में। तो मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज के दिन महिलाएं जो विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे आज महिलाएं हमारी पायलट भी बन रही हैं, आज हमारी महिलाएं शिक्षा जगत में भी बहुत नाम कमा रही हैं, लड़कियां आगे निकल रही हैं और ट्रेन भी चला रही हैं, पायलट बन रही हैं। और आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, हमारी महिलाएं राजनीति में भी बहुत आगे महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जो हमारे गोरखपुर में खुद ही हमारे दो बार हमारी बड़ी दीदी लोग पूर्व मेयर रह चुकी हैं। और हम सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य महाराज जी को मैं आपके माध्यम से उन बहनों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आज राजनीति में भी उन्होंने अपने सुरक्षा, सम्मान और विकास के नाम पे पूज्य महाराज जी को उन्होंने जो ये रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिता रही है, जो आप लोग के माध्यम से जनता के बीच में ये बातें आ रही हैं कि महाराज जी को इतना ज़्यादातर वोट जो है महिलाओं और लड़कियों ने किया है, तो लड़कियों ने अपने सुरक्षा और सम्मान और विकास को देखते हुए जो आज इस परचम लहरा रहे हैं, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं आपके माध्यम से भी उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विंग है, महिला मोर्चा, उसकी हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती अमिता गुप्ता यहाँ पर हैं और उनकी क्षेत्रीय महामंत्री अनुपमा जी हैं। हमारी भारी संख्या में बहनें भी आई हुई हैं और हम लोग महिला दिवस, हम लोग ही सिर्फ नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह महिला दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार का जो स्लोगन है वो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। ये मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों बराबर है और हर क्षेत्र में महिला काम करती है, आगे बढ़ रही है और उसको बढ़ने में सपोर्ट करना पुरुष का काम होता है।
और युगों से चला आ रहा है भारत में, विशेष रूप से कि महिलाओं को देवी के समान मानते हैं, पूछते हैं और कहते हैं जहाँ महिला देवी महिला वास करती है और उसका सम्मान होता है उस घर में देवी का वास करती है। तो ये नारी के लिए बहुत बड़ी शक्ति के का वो है, उसकी शक्ति है उसकी, कि उसको इतना सम्मान दिया जाता है। और आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको समझें। पूर्णिमा चटर्जी ने, पूर्णिमा बनर्जी ने ये स्लोगन दिया था और एकदम उसको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो वी का मतलब हम सब, पुरुष अलग नहीं है, महिला अलग नहीं है, हम बराबर हैं। 52% हमारा पॉपुलेशन है भारत में, तो हमें उसको समझना चाहिए कि हम कितने पावरफुल हैं और हमें बराबर की शक्ति साथ दें, हमारे चाहे पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, सब मिलकर के एक साथ काम करें और आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामना आज के शब्द में। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हर बार रंग भी दिया जाता है, इस बार सफ़ेद रंग दिया गया है शुद्धता के लिए और हरा दिया गया है उम्मीद के लिए और पर्पल दिया गया है जस्टिस के लिए। तो हमें न्याय चाहिए, हम उम्मीद करते हैं और हम शुद्धता रहेंगे, इसके लिए हमें सब मिल करके प्रयास करना पड़ेगा और इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस को इसी तरह से मनाते रहें और सम्मान करते रहें। बहुत धन्यवाद।